नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। देश का आम बजट आने में महज हफ्ते भर का समय ही बचा है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट होगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर और बढ़ती महंगाई की मार के बीच इस बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही है। अर्थशास्त्रियों, इंडिया इंक, कर विशेषज्ञों और वेतन भोगी वर्ग को बजट 2022 से ये 13 प्रमुख उम्मीदें हैं। पहली ये है कि कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज, किराया, फर्नीचर आदि पर खर्चा बढ़ गया है। ऐसे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम करने वालों को अतिरिक्त टैक्स छूट देने का सुझाव दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस पर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। बजट 2022 से वेतन भोगियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल इनके लिए इस समय धारा 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए निर्धारित है। लंबे समय से इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने की मांग की जा रही है। वेतन भोगियों को उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाए जाने से वेतन भोगियों को सीधा सीधा कर लाभ होगा। महामारी की शुरुआत के बाद से स्वास्थ्य बीमा लोगों की सूची में प्राथमिकता बन गया है। बीमा विशेषज्ञ चाहते हैं कि स्वास्थ्य कवर को 5% GST स्लैब में रखा जाए ताकि इसे और ज्यादा किफायती बनाया जा सके। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बजट से कुछ उम्मीदें हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर EVS के पक्ष में है। ये चाहता है कि कम ब्याज दरों पर EV को चुनने के लिए ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए EV को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की तरफ से अपनी बजट मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय को सुझाव सौंपे गए हैं। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र उन सेक्टर में शामिल है जिस पर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस महामारी के प्रकोप का खामियाजा भुगत रहे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बजट 2022 में एक बहाल GST इनपुट टैक्स क्रेडिट देख रहा है। वहीं सेक्टर रेस्टोरेंट व्यवसाय और एक और लॉकडाउन से बचाने के लिए एक सिस्टम चाहता है। FMCG को भी बजट से कुछ उम्मीदें हैं। FMCG क्षेत्र की इच्छा है कि सीतारमण लोगों के हाथों में पैसा देना जारी रखे, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। इस क्षेत्र की तरफ से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद वित्त मंत्रालय को सुझाव भेजे गए हैं। इस क्षेत्र को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस पर जरूर ध्यान देंगी। विमानन उद्योग कम से कम 2 सालों के लिए कर छूट और न्यूनतम वैकल्पिक कर के निलंबन की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा महामारी प्रभावित एयरलाइंस भी न्यूनतम वैकल्पिक कर को निलंबित करना चाहती हैं। कोरोना महामारी ने विमानन क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है। स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स को भी बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट से वो प्रतिभूति लेन देन कर में कमी चाहते हैं। शेयर बाजार से विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म कर देना चाहिए या फिर इसमें कमी करनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि सरकार बजट 2022 में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। आपको बता दें, सेक्शन 80EA के तहत 45 लाख रुपए तक के मकान पर 1.5 लाख रुपए की होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है। 1 फरवरी को देश का जो आम बजट पेश किया जाएगा उससे देश के करदाताओं समेत सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। ज्वेलरी सेक्टर ने भी अपनी मांग सामने रखी है। इनकम टैक्स के 3 स्लैब रेट 10%, 15%, 20% से ऊपर नहीं होने चाहिए। सोने पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाए। GST सेल्स टैक्स की तरह 1% होना चाहिए और सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी 4% की जाए, जैसी मांगे उठाई जा रही हैं। मौजूदा मानक कटौती सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 75,000 रुपये और अधिकतम 1,00,000 रुपये करने की जरूरत भी बजट 2022 एक उम्मीद है। वेतन भोगियों को उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जाए, जिसका सीधा सीधा लाभ वेतन भोगियों को कर लाभ में होगा। इसके अलावा कोरोना से सबसे प्रभावित MSME सेक्टर की मांग है कि GST की दरों को इस सेक्टर के लिए उपयुक्त बनाया जाए। इस सेक्टर के लिए टैक्स की दरों को कम किया जाए। उत्पादन में गिरावट, नौकरियों में कमी, राजस्व में कटौती जैसी कई समस्याओं का सामना MSME सेक्टर को पिछले 2 सालों में उठाना पड़ा है। ऐसे में MSME की सबसे बड़ी मांग है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दरों पर एक बार फिर से विचार किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।